कक्षा दसम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ चार पाठ चार वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO से शॉर्ट में बोलते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर बना विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी देश निर्धारित नियमों का पालन करें और विश्व में लगभग 165 देश इस संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बनाए रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए बाध्य किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान में जारी बहस है। अमेरिका आदि विकसित देशों द्वारा अपने किसानों की अत्यधिक आर्थिक मदद एवं वैश्वीकरण। भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP का महत्वपूर्ण अंग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा केवल 1% है। कुल रोजगार में मात्र 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि सब्सिडी सहायक प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर भेजा जाता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। उपयुक्त स्थिति में विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। यह मुक्त व्यापार की भावना के विरुद्ध है। विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित हैं, यह प्रश्न है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई जानी चाहिए। सभी देशों ने चाहे वे विकासशील हों अथवा विकसित, व्यापार अवरोधक हटाए जाने चाहिए। अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पाद के लिए भारी धनराशि अनुदान के रूप में देती है। इसके अतिरिक्त वह कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता देती है। यह न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस सहायता द्वारा संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इस सहायता का मुख्य परिणाम यह होता है कि अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में सफल हो जाते हैं। इसका भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मिला जुला प्रभाव पड़ा है। इसके कारण स्थानीय विदेशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा हुई है, जिसके कारण
उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं और वे अब कई उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम मूल्य से लाभान्वित हो रहे हैं। फलस्वरूप ये लोग पहले की तुलना में आज अधिक अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। बीते लगभग 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में विशेष वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, बैंकिंग जैसी सेवाओं आदि के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीददार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों सेवाओं में नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। तो अमेरिका अपने देश के लोगों को किस प्रकार लाभ पहुंचा रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के उद्योगों की स्थापना कर रही हैं? भारत की बड़ी कंपनियों को वैश्वीकरण से लाभ। अनेक बड़ी भारतीय कंपनियां वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई हैं, प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादों को विश्व स्तरीय बनाया है। कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग प्राप्त कर लाभ प्राप्त किया है। वैश्वीकरण की कुछ बड़ी कंपनियां भारतीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न ऊपर के सामने आई हैं। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां बनाती है, इन्फोसिस, आईटी, रेनबॉक्सी दवाइयां, एशियन पेंट्स पेंट, सुंदरम कौन आया सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट